गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू EVS ऑनलाइन क्लास। आई एम सुमन, आई एम योर EVS टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क यू, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो क्लास, टुडे इज़ योर फर्स्ट क्लास। सो फर्स्टली आप लोग अपनी पेन और नोटबुक साथ लेकर के बैठेगा, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, जो भी आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स, पूरा साथ लेकर के बैठेगा, ताकि ये जो अपनी बुक में ये पेज है आपके, ये माई सेल्फ के बारे में है, अबाउट मी के बारे में है, आपके खुद के लोगों के बारे में है। इसमें आपको अपना नेम फिल करना है, अपनी एज फिल करनी है, अपने मदर फादर का नेम फिल करना है, ठीक है? तो सारे बच्चे, जो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी अपनी पेन और नोटबुक साथ लेकर के बैठिएगा। सो दिस इज सेकेंड क्लास, फर्स्ट चैप्टर, अबाउट मी। सो नाउ स्टार्ट अवर चैप्टर फर्स्ट, विच नेम इज अबाउट मी। अबाउट मी होता है यानी मेरे खुद के बारे में दूसरे लोगों को बताना कि मेरा नाम क्या है, व्हाट इज माय नेम, मेरे फादर का नेम, मेरी मदर का नेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन है अपनी, हेलो फ्रेंड्स, राइट योर डिटेल्स हेयर। ये बुक में हमसे क्या पूछा है कि अपनी जो डिटेल्स है उनको ये फिलअप्स दे रखे हैं, उनमें फिल करना है, ठीक है? उनको इसमें क्या करना है, फिल करना है। तो फर्स्ट लाइन है आती है अपनी, फर्स्ट। देखिए आप सबको पता है, कोई भी आपसे अदर पर्सन कोई फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, कोई न्यू पर्सन, तो सबसे पहले ये पूछता है कि आपका नेम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है? तो फर्स्ट हम उसको यही बताते हैं कि माई नेम इज़, जो भी आपका नेम है, ठीक है? तो फर्स्ट आता है आई एम। यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना है, जो भी आपका नेम है, एक्स वाई जेड, जो भी आपका नेम है उसको यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है, आई एम, जो भी आपका नेम है, ठीक है? नेक्स्ट लाइन आती है अपनी, आई एम डैश ईयर ओल्ड, यानी आपकी एज क्या है, आप कितने ईयर्स ओल्ड हैं, आप कितने साल के हो चुके हैं। आई एम, अगर आप 5 ईयर्स ओल्ड हैं तो 5 लिखना है, 6 ईयर्स ओल्ड है तो 6 लिखना है, 7 ईयर ओल्ड है तो 7 लिखना है। यहाँ पर आपकी जितनी भी एज है उस आपको इसमें फिल करना है, ठीक है स्टूडेंट्स? फर्स्ट में हमने लिखा था अपना नेम, ठीक है? सेकंड में लिखेंगे अपनी एज। नेक्स्ट आता है अपना मिस्टर। अब मिस्टर किसके लिए लगाया जाता है, फादर के लिए। मिस्टर किसके लिए लगाया जाता है, फादर के लिए, और मिसेज लगाया जाता है मदर के लिए। मिस्टर, जो भी आपके फादर का नेम है उसको यहाँ पर फिल करना है, मिस्टर, जो भी आपके फादर का नेम है, इज माय फादर, इज माय फादर। मिस्टर, जो भी आपके फादर का नेम है उसे यहाँ पर फिल करना है, इज माय फादर, ठीक है स्टूडेंट्स? इतना क्लियर है? नेक्स्ट आती है अपनी लाइन मिसेज। अब मिसेज आता है लेडी के लिए, किसी औरत के लिए, तो मिसेज में ये मदर का नेम आएगा, मिसेज, जो भी आपकी मदर का नेम है, इज माय मदर, मिसेज, जो भी आपकी मदर का नेम है, इज माय मदर। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? आई, नेक्स्ट लाइन आती है अपनी, आई लीव एट, आई लीव एट। यहाँ पर आपको अपना, जहाँ पर आप लोग रहते हो उधर का एड्रेस आप लोगों को पता होगा, वो फुल एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है इस ब्लैंक स्पेस में। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या देखा, जो आपका एड्रेस है उसे आपको यहाँ पर फिल करना है, आई लीव एट, ठीक है? जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। नेक्स्ट लाइन आती है, एम वाई माई पी एच ओ एनी फोन एन यू एम बी ई आर नंबर इज माई फोन नंबर इज, जो भी आपके फ़ोन नंबर हैं, आपके पेरेंट्स के, आपके फादर के या मदर के, जो भी नंबर हैं उसे आपको इस ब्लैंक स्पेस में फिल करना है। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है ना, और सभी ध्यान दे रहे हैं अच्छे से, ठीक है? इसमें क्या फिल करना है, माई फोन नंबर इज, जो भी आपके मदर या फादर के फोन नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करने हैं। नेक्स्ट लाइन आती है अपनी, आई स्टडी इन, आई स्टडी इन, जो भी आपका स्कूल का नेम है, आई स्टडी इन,
ठीक है, आपको अपनी स्कूल का नेम फिल करना है और लास्ट में स्कूल लिखा हुआ है। ठीक है, आई स्टडी इन, जिस किसी भी स्कूल के आप स्टूडेंट हो उसे आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या फिल किया, आई स्टडी इन स्कूल, जो भी आप किसी भी कि कोई भी स्कूल हो उसके स्टूडेंट हो उसको यहाँ पर फिल स्कूल का नेम फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आती है अपनी, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड। देखिए हम सेकेंड क्लास की बुक रीड कर रहे हैं तो सेकेंड क्लास के स्टूडेंट आएंगे। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आते हैं, मिस्टर एंड मिसेज, मिस्टर एंड मिसेज, यानी जो भी मिस्टर है या मिसेज, आपके जो भी क्लास टीचर है या कोई सर है तो मिस्टर, और अगर कोई मैडम है तो मिसेज। देखिए मैंने अभी बताया, अगर कोई सर है तो मिस्टर और अगर कोई मैडम है तो मिसेज। यहाँ पर आपको अपनी क्लास टीचर, अगर सर है तो मिस्टर, मैडम है तो मिसेज, इधर नेम फिल करना है इज माय क्लास टीचर। यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन जो आती है वो है, माय मदर लैंग्वेज इज, माय मदर लैंग्वेज इज। देखिए हम सब लोग इंडिया में रहते हैं, हम सब इंडियंस हैं, भारतीय हैं, तो हम सबकी मदर लैंग्वेज एक ही है, वो जो है हिंदी। इसमें आप लोगों को क्या फिल करना है, हिंदी। माई मदर लैंग्वेज इज हिंदी, इसमें क्या फिल करोगे, माई मदर लैंग्वेज इज हिंदी। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैं एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ पूरा पेज। चलिए तो देखते हैं, फर्स्ट हमने देखा था आई एम, जैसे माई नेम इज सुमन है तो मैंने यहाँ पर क्या फिल कर दिया, आई एम सुमन। ठीक है, यहाँ पर आपको आई एम, जितने भी ईयर्स ओल्ड आप हो, जितनी भी एज आपकी है वो यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिया था मिस्टर, जो भी आपके फादर का नेम है वो यहाँ लिखना, इज माई फादर। इतना क्लियर है? मिसेज, जो भी आपकी मदर का नेम है, इज माई मदर। सभी बच्चे ध्यान दे रहे हैं, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से रीड कीजिएगा और अच्छे से नोटबुक में लिखिएगा। नेक्स्ट लाइन आती है वो है, आई लीव एट, आई लीव एट, जो भी अपना एड्रेस है उसे यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट लाइन आती है, माई फोन नंबर इज, आपके पेरेंट्स के नंबर फिल करने हैं, मोबाइल नंबर फादर के या मदर के, जिस किसी के भी हों वो यहाँ पर आपको फिल करने हैं। आई स्टडी इन, यहाँ पर आपको अपनी स्कूल का नेम, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उस स्कूल का नेम फिल करना है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी आप जिस क्लास के भी स्टूडेंट हो, जैसे आप सेकेंड क्लास के स्टूडेंट हैं तो सेकेंड क्लास, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड फिल करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लाइन, मिस्टर या मिसेज, अगर आपकी क्लास टीचर कोई सर हैं तो उनका नेम लिखना है, अगर आपकी क्लास टीचर कोई मैम है तो मिसेज, उनका नेम लिखना है, इज माई क्लास टीचर। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट लाइन आती है अपनी, माई मदर लैंग्वेज इज, नेक्स्ट लाइन आती है अपनी, माई मदर लैंग्वेज इज हिंदी, क्योंकि हम सब लोग इंडिया में रहते हैं, हम सब इंडियंस हैं और हमारी मदर लैंग्वेज क्या है, मदर लैंग्वेज होती है मातृभाषा, वो कौन सी है, हिंदी। कौन सी है, हिंदी, वो कौन सी है, हिंदी। तो देखिए आप लोगों को एक साइड में कॉलम दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है पेस्ट योर रीसेंट फोटोग्राफ हेयर, और इस पे आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज की एक फ़ोटो पेस्ट करनी है अपनी खुद की। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अपना जो फर्स्ट चैप्टर है अबाउट मी, यहाँ पर हम इसको फिनिश करते हैं। इसकी जो एक्सरसाइज है उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।